मैं रजनीकांत द्विवेदी DSR पब्लिक स्कूल की तरफ से कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक का 4th अध्याय सभी छात्रों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसका नाम है ऐसी बोली बोलिए, यानी मीठी वाणी का महत्व हमारे जीवन में क्या होता है। कहा भी गया है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। यानी जीवन में मीठी वाणी का, मीठी बोली का क्या महत्व होता है, इस कहानी के माध्यम से हम सभी लोग इसको समझेंगे कि मीठी वाणी का महत्व क्या होता है। मीठी वाणी से हम बिगड़े हुए काम को बना सकते हैं, और वहीं जो कड़वी वाणी लोग बोलते हैं बने हुए काम को भी बिगाड़ देते हैं, बिगड़ जाता है। तो मीठी वाणी का क्या महत्व होता है, चलिए हम सभी छात्र इस कहानी को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। एक घने जंगल में दीनू नामक एक कौवा रहता था। एक कौवा था जिसका नाम था दीनू। वह देखने में जितना काला था उसकी आवाज भी उतनी ही कर्कश, कर्कश का अर्थ होता है कड़वी, कर्कश थी। इसलिए जंगल का कोई भी पशु पक्षी उसे पसंद नहीं करता था। यानी अगर आपकी बोली कड़वी है, आपकी बोली, आप कड़वा बोली बोलते हैं, तो आपको कोई पसंद नहीं करता है। वह जहां भी जाता सब उसे भगा देते। सबके इस व्यवहार से उसे बहुत दुख होता था, दुख होता था। वह जिस पेड़ पर रहता था उसी पेड़ की दूसरी शाखा पर एक कोयल रहती थी, उसका नाम था मिश्री। कोयल थी जिसका नाम था मिश्री। अपने नाम की तरह ही उसकी आवाज बहुत ही मीठी थी। वह सबके साथ प्रेम पूर्वक बातें करती थी, इसलिए सभी उसे पसंद करते थे। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, अगर आप सबके साथ प्रेम पूर्वक बातें करते हैं तो सभी लोग आपको पसंद करते हैं। आपकी बोली कड़वी नहीं बल्कि आपकी बोली मीठी होनी चाहिए। एक दिन दीनू मिश्री के पास गया। दीनू यानी कौवा, मिश्री यानी कोयल के पास गया और दुखी स्वर में बोला, बहन वैसे तो हम दोनों का ही रंग काला है, पर तुम जहां भी जाती हो सब तुम्हें तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं सब मुझे वहां से भगा देते हैं। पता नहीं सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। उसकी बात सुनकर मिश्री अपनी मीठी आवाज में बोली, दीनू भैया सब मुझे मेरे रंग रूप के कारण पसंद नहीं करते, सब मुझे मेरी मीठी आवाज के कारण ही पसंद करते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। इसलिए यह भी कहा गया है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वानों की पूजा सभी जगह होती है और सभी लोग विद्वान की ही पूजा करते हैं। पूजा प्रेम रंग रूप से नहीं बल्कि उसके गुण की पूजा की जाती है। मैं इस जंगल से कहीं दूर चला जाना चाहता हूं, दुखी मन से कौवा कहता है। जहां आदर न मिले वहां रहकर क्या लाभ, दीनू उदास होकर बोला। तब मिश्री बोली, तुम जहां जहां चाहे वहां चले जाओ, मगर फिर भी तुम्हें आदर और प्रेम नहीं मिलेगा। यदि तुम सबसे आदर पाना चाहते हो तो अपनी कर्कश कड़वी आवाज को बदल दो, सबके साथ प्रेम पूर्वक और मीठी मीठी बातें करो, सबको मीठी बोली ही अच्छी लगती है। यह कहकर मिश्री कोयल उड़ गई। मिश्री की बात दीनू को समझ में आ गई थी। वह जान चुका था कि सबसे आदर और प्रेम कैसे पाया जा सकता है। तो ये आपकी कहानी यही है, यही समाप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी से आदर और प्रेम पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी बोली मीठी बोली बोलिए, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए। आपके व्यवहार आपके गुण की ही पूजा की जाती है, न कि आपके रूप की। इसलिए कहा गया है कि रूप की पूजा नहीं की जाती है बल्कि उसके गुण की पूजा की जाती है। तो आज यहीं पे इस कहानी की समाप्ति मैं कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने जीवन में
अगर किसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, अगर आप अपनी आवाज अपनी बोली मीठे स्वर में करते हैं, तो निश्चित तौर से आप भी आदर और प्रेम के पात्र होंगे। कहने का मतलब यही है कि आप भी अपने जीवन में सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए और सबके साथ अपनी बोली को मीठी बोली बोलिए, ताकि आप आदर और सम्मान पा सकें। यही हम संदेश सभी छात्रों को देना चाहूँगा। तो गृह कार्य के रूप में कक्षा दो के सभी छात्र आगे ध्यान देंगे। नोटबुक में आप कठिन शब्द का अर्थ लिखकर याद करेंगे। जैसे दिया गया है, कर्कश का अर्थ होता है तीखी कड़वी, व्यवहार का अर्थ होता है बर्ताव, शाखा का अर्थ होता है टहनी या डाली, आदर का अर्थ होता है सम्मान प्रेम पूर्वक यानी प्रेम से, उदास का अर्थ होता है दुखी। आप नोटबुक में सबसे पहले कठिन शब्द का अर्थ लिखकर याद करेंगे, उसके आगे बहुविकल्पी प्रश्नों का भी उत्तर या लिखकर याद करेंगे। जैसे कौवे की आवाज कैसी थी, उत्तर लिखेंगे कौवे की आवाज कर्कश थी, ये मैं उस निशान लगा दिया हूं। कोयल का रंग कैसा था, कोयल का रंग काला था। उसके बाद मौखिक प्रश्नों का भी उत्तर लिखकर याद करेंगे। कौवे का रंग कैसा था, कौवे का रंग काला था। पेड़ की दूसरी शाखा पर कौन रहता था, पेड़ की दूसरी शाखा पर मिश्री नामक एक कोयल रहती थी। कोयल की आवाज कैसी थी, कोयल की आवाज मीठी थी। उसके बाद लिखित प्रश्नों का भी उत्तर आप लिखकर याद करेंगे। इसका उत्तर मैं इस पुस्तक में लिख दिया हूँ। ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने नोटबुक में इसी प्रकार से लिखकर याद करेंगे। जंगल के पशु पक्षी और कौवे, जंगल के पशु पक्षी कौवे को क्यों पसंद नहीं करते थे, तो उत्तर लिखेंगे जंगल के पशु पक्षी कौवे को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि कौवे की आवाज कड़वी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोयल को सब क्यों पसंद करते थे, मीठी बोली बोलने के कारण कोयल को सभी पसंद करते थे। तीसरा क्वेश्चन, कौवा कोयल की कौन सी बात समझ चुका था, कोयल की मीठी बोली बोलने की बात कौवा समझ चुका था। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आप नोटबुक में लिखकर समझेंगे और याद करेंगे। जंगल में एक कौवा रहता था, कोयल का नाम मिश्री था, मिश्री की बात दिनों की समझ में आ गई थी और सबको मीठी आवाज ही अच्छी लगती है। उसके बाद आप अपने बुक में इसको भी आप भरेंगे, पढ़िए और समझिए, लिखिए। जैसे कर्कश आवाज कैसी आवाज, तो कर्कश। घना जंगल कैसा जंगल, घना। मीठी बोली कैसी बोली, मीठी। काला कौवा कैसा कौवा, काला। उसके बाद देखेंगे एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ जो भी शब्द बताते, अर्थ जो भी शब्द देते हैं उन्हें उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को हम विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। काला का अर्थ होता है गोरा, दुख का अर्थ होता है सुख, दिन का अर्थ होता है रात, एक का अर्थ होता है अनेक, मीठी का अर्थ होता है कड़वी और अच्छा का अर्थ होता है बुरा। इसको भी आप अपने पुस्तक में भरकर और समझ लेंगे ध्यान से। और उसके बाद आगे भी दिया गया है, इसको भी आप भरेंगे। जैसे नए शब्द बनाना है, आ से आ जोड़कर इन सभी शब्दों में आप आ जोड़ करके शब्द बना देना है। जैसे आदर, आदर लिखेंगे आकार आवाज। उसके बाद का जोड़ना है इन सभी शब्दों में, काम काजल और काला। तो आप गृह कार्य के रूप में इन सभी चीजों को जो मैं आपसे बताया आप इसको नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। तब तक के लिए मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट डे हम अगले अध्याय की शुरुआत करते हुए आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपका स्वास्थ्य स्वस्थ बना रहे, यही मेरी कामना है। तब तक के लिए धन्यवाद।